हेलो फ्रेंड्स, डी और एक्सपर्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं हूँ एक सर्टिफाइड फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसको जानना हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हम बात करेंगे पेसमेकर की, क्या यूज होता है, किस प्रकार के मरीज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक ताकि आपको पेसमेकर से संबंधित सभी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली दोस्तों, पेसमेकर एक प्रकार का डिवाइस होता है। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब किसी बीमारी के कारण हार्ट बीट यानी दिल का धड़कन अनियमित हो जाता है। इसे ठीक करने के लिए एक डिवाइस यूज करते हैं जिसे पेसमेकर के नाम से जानते हैं। पेसमेकर एक छोटा इलेक्ट्रिक उपकरण है जो हार्ट को विद्युत आवेग भेजकर हार्ट के गति या धड़कन को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो दोस्तों, TPS यानी माइक्रा ट्रांसकैथेटर पेसिंग सिस्टम एक लेटेस्ट हार्ट डिवाइस है जो कि सबसे एडवांस पेसिंग तकनीक से बनी है। इसका आकार अन्य उपलब्ध पेसमेकर की तुलना में 10 गुना छोटा, करीब 50 पैसे के सिक्के के आकार का होता है। मान लीजिए यह किसी विटामिन कैप्सूल जैसा होता है जिसका वजन 2 ग्राम होता है। मेडट्रॉनिक, एबॉट, बोस्टन साइंटिफिक और बायोट्रॉनिक भारत में प्रमुख पेसमेकर ब्रांडों का निर्माण करती हैं। कृपया अपनी स्वास्थ्य स्थिति के लिए सर्वोत्तम पेसमेकर विकल्प निर्धारित करने के लिए अपने हृदय चिकित्सक से कंसल्ट करें। दोस्तों, अगर अच्छे पेसमेकर की कीमत की बात करें तो वह 35,000 से लेकर 3,00,000 रुपए तक आपको आसानी से मिल सकती है। अब इसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि पेसमेकर कितने साल तक चलता है या इसका जीवन काल कितने समय तक होता है। अधिकांश डिवाइस बैटरियां उपयोग के आधार पर कम से कम 5 से 7 साल तक चलती हैं। उसके बाद बैटरियां या पल्स जनरेटर को बदलने की आवश्यकता होती है। यही कंपनी दावा करती है कि अगर पेसमेकर बहुत ही बेहतर क्वालिटी का है तो 12 से 15 साल तक काम कर सकता है। पेसमेकर बच्चों सहित किसी भी उम्र के लोगों में लगाया जा सकता है, लेकिन अधिकतर 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों को लगाया जाता है। दोस्तों, अगर सिंपल भाषा में समझे, पेसमेकर जिसे कार्डियक पेसिंग डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है, एक छोटा इलेक्ट्रिक उपकरण जो असामान्य हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह आमतौर पर चेस्ट एरिया में त्वचा के नीचे स्थापित किया जाता है और यह दिल को नियमित रूप से धड़कने के लिए विद्युत पल्स का उपयोग करता है। आइए अब जान लेते हैं पेसमेकर के साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। एक पेसमेकर को स्थापित करने के लिए सर्जरी से जुड़े कुछ दुष्प्रभाव जैसे रक्तस्राव, चोट लगने और इन्फेक्शन जैसी समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी पेसमेकर से संबंधित पूरी जानकारी। अगर आपको इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।